नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुंबई नासिक महामार्ग से जहां पर भिवंडी के गौरीपाड़ा स्थित अमन स्पोर्ट्स क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवासी मजदूरों को भोजन व पानी वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन की कालावधि बढ़ने की वजह से दिहाड़ी मजदूरों का धैर्य टूट चुका है और फलस्वरूप बेबस मजदूर बड़े पैमाने पे अपने मूल गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से महामार्ग पर स्थित सभी होटलें ढाबे बंद होने व मजदूरों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रवासी मजदूरों की खाने की समस्या उत्पन्न हो गया, जिसे ध्यान में रखते हुए शहर के कई सामाजिक संस्था व समाज सेवक आगे आकर उन मजदूरों को खाना व आदि सफर में काम आने वाले सामान वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमन स्पोर्ट्स क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 1000 खाने के पैकेट व पानी महामार्ग पर उन मजदूरों में वितरित किए गए। हम आपको बता दें कि इस संस्था द्वारा और भी सराहनीय कार्य किए गए हैं, जैसे सैकड़ों अनाज के किट बनाकर बांटा गया, जरूरतमंद लोगों के लिए इफ्तार का इंतजाम करना आदि। खाना बांटने के समय वहां फहीम मोमिन, आरिफ शेख, अख्तर अंसारी, मकसूद अंसारी, शाहनवाज अंसारी व अमन स्पोर्ट्स क्लब के आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। जरूरतमंद लोगों ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए क्या कहा वह अधिक जानकारी देते हुए संस्था के कार्यकर्ता ने क्या कहा, देखिए सीएम झांकी इस विशेष रिपोर्ट में। धन्यवाद करते हैं आने जाने वाले लोगों के लिए, आप जो कर रहे हैं ऊपर वाला आप लोग आगे बढ़ाए भाई। हमारी संस्था का नाम है अमन स्पोर्ट्स क्लब, जो कि गौरीपाड़ा भिवंडी से आ रहे हैं। और हमने शुरुआत में ये चालू किया था, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो जरूरतमंदों को हमने ड्राई राशन शुरू किया बांटना। जरूरतमंदों के सारा लोगों को तकलीफ हो रही थी लॉकडाउन की वजह से, और उसके बाद हमने रमजान की तारीख से अफ्तारी का भी इंतजाम रखा था। जो ज़रूरतमंद जो है जो रोज़ा रखते हैं जो अफ्तारी का इंतजाम नहीं कर पाते, तो हमने अफ्तारी का भी इंतजाम रखा। और आज हमने पका हुआ खाना भी लोगों को और साथ में पानी भी बांटा। जैसा कि हालात समझ में आ रहे सबको, सोचने की उसमें बात ही नहीं, हालात तो सबको समझ में आ रही कि गरीब के पास पैसे नहीं है जाने के लिए भाड़ा किराया नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। हाईवे पे खाना बांटने का काम हमने आज से शुरू किया है, लेकिन इससे पहले हमारी जो एक्टिविटी दूसरी चालू थी, शुरुआत में लॉकडाउन में हमने ड्राई राशन बांटा, उसके बाद फिर अफ्तारी का इंतजाम हमने किया। जब से रमजान शुरू है तब से हम अफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं, मुसलसल चालू रहेगा। तो आज कितने पैकेट्स खाना बांटे गए? ये तकरीबन हमने 1000 पैकेट्स और साथ में पानी भी दिया लोगों को। कहना यही चाहूँगा कि आप लोगों भी आगे बढ़े और आप जो अपने पास से जो कुछ दान दे, पैसे दे, या अगर आप नहीं आ सकते, आप अकेले नहीं कर सकते, तो आप हमारे साथ में जुड़िए या दूसरी NGOs है उनके साथ में आप जुड़िए, ताकि हम जहाँ 1000 आदमी का खाना कर रहे हैं तो हम 1500 का कर सकें, 2000 का कर सकें। कि सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग करना रहेगा, दूसरी चीज़ सैनिटाइज़र के इस्तेमाल में तो बोलूँगा कि अगर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल मुमकिन हो वहाँ तक करें, और मास्क का इंतजाम, मास्क लगाएं आप बराबर, ठीक है। मैं सबका बहुत आभारी हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारी कमेटी के सब लोग हैं, अमन कमेटी हमारी गौरीपाड़े से है, और मैं इन लोग सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मेरा बहुत सड़कर साथ दिया और सब मिलकर हमारी संस्था है जो सब इंतजाम किया जाता है हमारी तरफ से। माशाल्लाह इसके अंदर बहुत से NGO बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा हिस्सा ले रहे हैं, तो उससे मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत लोगों को मैं इसके बारे में अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। सत्यवार्ता की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।